परोपकार परम धर्मा, जन कर्तव्य परम कर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिका सिंह आज आपकी नई स्टोरी के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की हमारी स्टोरी लिखी है डॉक्टर श्री धर्मवीर सिंह जी ने, जो मेरे गुरुजी हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सन 1857 की क्रांति में घायल सैनिकों की गाथा है ये। भारत भूमि पर अंग्रेजों का समय था। उनके अत्याचार तथा राज्य हड़प नीति से प्रजा, जागीरदार, छोटे छोटे राज्य बहुत परेशान थे। 31 जुलाई सन 1857 की घटना है। स्थान है ओरछा राज्य, जो अब रीवा जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। झांसी ग्वालियर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने ओरछा राज्य पर चढ़ाई कर दी। ओरछा नरेश तथा उसके सैनिक बड़ी वीरता से अंग्रेजी सेना से लड़े, लेकिन कम सेना होने की वजह से ओरछा की अधिक सेना मारी गई। कुछ घायल हुए, कुछ प्राण बचाकर सीमावर्ती ग्राम में जाकर छिपे। इस ऐतिहासिक गाथा में समरजीत नाम के सैनिक की कथा है। मध्यकाल का समय था। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ भाग रहा था। उसके पीछे 50 अंग्रेजी सैनिक घोड़ों से उसका पीछा कर रहे थे। घुड़सवार के अंग अंग में घाव थे, घाव से रक्त बह रहा था। सैनिक बड़ी तीव्रता से एक नगर में घुसा, जहां उसका कोई परिचित नहीं था। रक्त की बूंदों के इशारे पर अंग्रेजी सैनिक उसका पीछा करते हुए नगर में पहुंच गए। एक घायल सैनिक ने कई महाजनों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसको शरण देने से मना कर दिया। घायल घुड़सवार बहुत घबराया हुआ मूर्छित होकर घोड़े से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। तभी नगर में एक गरीब घास बेचने वाला गांव में आता है। उसकी घास बिक चुकी थी। उसने तुरंत घायल घुड़सवार को अपनी खरफसिया घास रखने वाला कपड़ा से ढक दिया और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। तभी 50 अंग्रेजी सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने नगर के 10 लोगों को बंदी बना रखा था, जिनके घर के सामने उस घायल घुड़सवार समरजीत ने पनाह मांगी थी। घास बेचने वाला व्यक्ति वहीं खरपसिया के पास खड़ा था। अंग्रेजी सैनिकों ने देखा कि इस स्थान पर काफी रक्त है, तो सैनिकों ने घास बेचने वाले से अकड़ के बोले, घायल घुड़सवार को देखा है बुड्ढे? माई बाप उस व्यक्ति को घोड़ा आगे ले गया। सैनिक ने अकड़ के कहा, रक्त इस स्थान पर अधिक है, यहीं कहीं छिपा है ब्लैक डॉग इंडियन। उस सैनिक के शब्द घास बेचने वाले के हृदय को पार कर गए। उस घास बेचने वाले ने खुरपा निकाला प्राण और अंग्रेजी सैनिक पर हमला कर दिया। इंसान का बाकी अंग्रेजी सैनिक घोड़े के पीछे जा चुके थे। उस घास बेचने वाले ने उस अंग्रेजी सैनिक का सर धड़ से अलग कर दिया और घायल सैनिक को पीठ पर डालकर अपने घर पास के गांव में ले गया। उसका उपचार किया। तभी होश में आया समरजीत घायल सैनिक। जब उसने छप्पर में देखकर उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो वह घास बेचने वाले व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। तुमने मेरे प्राण बचाए बाबा, बूढ़ा बोला, इंसान का फर्ज होता है इंसान की मदद करे। हिम्मते बंदे मददे खुदा, जय जवान जय किसान। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।